तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद हिंदुस्तान का जो आज तक विवाद चला हुआ है वो उस कब्ज़े के कारण ही है यदि तिब्बत पर चीन का कब्जा ना होता तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में और उस सीमा में जो विवाद चला हुआ है वो विवाद भी कभी ना होता अरुणाचल प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो चीन को आपत्ति करने का कोई कारण भी ना होता तिब्बत जो है भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ी बफर स्टेट है एक प्रकार से वैसे तिब्बत नाम सुनने से लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र है तो छोटा प्रदेश होगा तिब्बत का जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी यूरोप के लगभग बराबर है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिंदुस्तान का जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है उत्तरी सीमा हमारी जो हिमालय में वो सारी की सारी तिब्बत से जुड़ी हुई है फिफ्टी में चीन का तिब्बत पर कंप्लीट कब्जा हुआ और 62 में उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया जहाँ आप समझिए कि तिब्बत और हिंदुस्तान की संस्कृति एक ही है और तिब्बत में हिंदुस्तान के प्रति कितना अच्छा भाव है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तिब्बत में उसी राजा को अच्छा राजा माना जाता था जो राजा मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए भेजता था और तिब्बत की जो भाषा भूटी भाषा है तिब्बत को भूट देश कहा जाता है प्रैक्टिकली और उसकी भाषा को भूटी भाषा कहा जाता है भोटी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से ही निकली है और उसमें भी देवनागरी लिपि की तरह क ख ग शब्द अक्षरी हैं और प्रिय मित्रों जब तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके उसको कब्जे पर किया तो यह मान्यता देने के लिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा है जय मान्यता सबसे पहले हिंदुस्तान ने दी सबसे पहले हिंदुस्तान ने देखा सबसे पहले रूस ने कहा उसके बाद हिंदुस्तान ने कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है तिब्बत पर चीन ने के कब्जे के बाद हिंदुस्तान का जो आज तक विवाद चला हुआ है वो उस कब्ज़े के कारण ही है यदि तिब्बत पर चीन का कब्जा ना होता तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में और उस सीमा में जो विवाद चला हुआ है वो विवाद भी कभी ना होता अरुणाचल प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो चीन को आपत्ति करने का कोई कारण भी ना होता आज की परिस्थिति में बहुत से मित्र मेरे पूछते हैं कि तिब्बत क्या चीन से स्वतंत्र हो सकता है तो यदि सेंट्रल एशिया के कुछ देश रूस के कब्ज़े से आज़ाद हो सकते हैं तो तिब्बत जो सेंट्रल एशिया का एक मुख्य देश है वह भी चीन के कब्ज़े से आज़ाद हो सकता है बड़ी बात यह है कि उसको इस तिब्बतियों में ये एहसास सदा बना रहना चाहिए कि हमारा देश चीन के कब्जे में है और एक अंतम बात कह के प्रिय मित्रों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं वो देश हिंदुस्तान रूस और चीन से घिरे हुए हैं उनमें से अधिकांश पर रूस ने कब्जा कर लिया था जो रूस के टूटने के बाद स्वतंत्र हुए और जो बाकी चार देश बचे हुए थे मंचूरिया पर चीन ने कब्जा कर लिया हो था मंगोलिया के आधे हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया ईस्ट तुर्कमिस्तान पर चीन ने कब्जा कर लिया और अंतिम देश तिब्बत बचा हुआ था जिस पर चीन का कब्जा नहीं था तो सिक्स में चीन ने उस पर भी कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान देखता रहा आज हिंदुस्तान इस बात के लिए पछता रहा है कि उस वक्त यदि सरदार पटेल ने जैसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल की बात मानी होती और तिब्बत की सहायता की होती तो शायद आज स्थिति ना होती